चेक, मेरे सवाल ये था कि अगर बीवी जो है कमा रही हो, जॉब कर रही हो, लेकिन अगर बीवी अपने वालिदैन को देना चाह रही है, मतलब शोहर जालिम है लेकिन बीवी जो है अपने वालिदैन को, मतलब उसको बेटा नहीं है, वालिदैन कुछ मजबूरी में है, तो जो कमाया हुआ पैसा कुछ रकम अपने वालिदैन को सपोर्ट करना चाह रही है, तो शोहर राजी नहीं है, लेकिन इधर देखे तो बेटा कोई भी नहीं देख देख, देख देखने के लिए, तो इस मामले में इस कैसे करना चाहिए, मतलब शोहर के लिए के बात मानना चाहिए या शोहर के छुपाए हुए पैसा कुछ पैसा रकम वालिदैन को दे सकते हैं। जजाकअल्लाह, अच्छे बारकअल्लाह। सवाल, बारकल्लाह फीकुम। जी सर, इसमें कई पॉइंट में मैं बात करूंगा इस सवाल पे। पॉइंट जी नंबर एक, बीवी के लिए नौकरी करना उस वक्त जायज है जब उसका शौहर उसे इजाजत दे, नंबर एक। नंबर दो, नौकरी करना बीवी के लिए उसी वक्त जायज है जब उस नौकरी की नौईयत ऐसी हो जिसमें वो पर्दे वगैरह का जो उसके ऊपर शरई अहकाम है औरत के लिए घर से बाहर निकलने के, वो तमाम अहकाम पर अमल करते हुए नौकरी करे तब। ये नंबर दो, यानी गोया कि शौहर के लिए इजाजत देना जायज ही नहीं होगा अगर उसकी बीवी ऐसी जगह नौकरी करती है जहां पे शरई अहकाम और हदूद की पाबंदी नहीं की जाती है, तो शौहर के लिए जायज ही नहीं है। नंबर तीन, अगर शौहर ने इजाजत दे दिया है नौकरी करने की और उसकी बीवी ऐसी जगह नौकरी करती है जहां शरान नौकरी करना उसके लिए जायज है, तो जाहिर है उसको तनख्वाह मिलेगी। अब वो जो तनख्वाह है वो बीवी का माल है, वो शौहर जी का नहीं है। अब बीवी का जब वो माल है और उसके वालिदैन फकीर हो गए हैं, तो जब वालिदैन फकीर हो गए तो उन वालिदैन के बच्चों के ऊपर लाजिम है कि अपने वालिदैन पर खर्च करें, और उनके जी बच्चों में बेटी भी आती है, तो उसके जी ऊपर ना सिर्फ ये कि जायज है बल्कि अगर उस बेटी के पास पैसा है और वालिदैन फकीर हैं तो बेटी के ऊपर वाजिब है कि वालिदैन पर खर्च करे वो, और शौहर उसमें रोक नहीं सकता है अगर वो बीवी का माल है तो। हाँ, अपना माल रोक सकता है कि भाई मैं अपने पास से नहीं दूंगा, उसे अख्तियार है, लेकिन जो बीवी का माल है उसमें नहीं रोक सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, आपको कुछ मजीद कुछ पूछना है इसमें? चेक, इसके मतलब इस मामले में शोहर की इताअत नहीं किया जा सकता, समझाया जा सकता उसको। भाई जैसे, जी सुनिए सुनिए, आपको मैं एक मिसाल, जैसे बीवी के ऊपर, आपकी बीवी पर नमाज पढ़ना वाजिब है, अगर जी आप कहो कि नहीं मैं तुझे नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, तो क्या आपकी इताअत करेगी? वो नहीं करेगी। तो नहीं 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 सही समझ रहे वालदे जी। वालदेन अगर फकीर हैं तो बच्चों के ऊपर वाजिब है उन पर खर्चा करना, अगर बच्चे अमीर हैं तो जो सही चीज सही वाजिब है उस वाजिब से कैसे वो रोक सकता है। जी 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 सही कहा भाई का। जी सही, बहुत बहुत जी शुक्रिया, डॉक्टर, जजाकअल्लाह, जजाकअल्लाह खैर, बारकअल्लाह फीकुम, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अमीन, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वरकातुहू। अच्छा शेख, अगर कोई शोहर ये शर्त रखे अपनी बीवी से कि मैं तुझे इजाजत दे रहा हूँ काम करने की, 50% तो मुझे देगी सैलरी बिल्कुल, ये मसला में से। मैं जिक्र कर चुका हूँ शेख अरशद, अगर आपको याद आ रहा हो, कि अगर बीवी नौकरी करने की इजाजत मांग रही है और शौहर ये शर्त रख रहा है कि मैं इस शर्त के साथ इजाजत दूंगा कि इतना परसेंट उसका मुझे दोगी, तो ये शर्त जी रखना उसके लिए जायज है, तो फिर उसको देना होगा। अच्छा, बीवी को देना होगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन ये याद रखें कि शौहर के लिए इजाजत देना उसी वक्त जायज है जब वो नौकरी ऐसी जगह पर करती हो जहां पर वो पर्दे इफ्फत इस्मत इज्जत के साथ नौकरी कर सकती हो, शरीयत की कोई मुखालफत ना हो रही हो, और ऐसा बहुत कम है, ऐसा बहुत जी कम है, ये भी मैं बता दूं। जी ठीक है शेख, जजाकल्लाह खैर। ऐसा लग रहा है शेख, बारकल्लाह गोया फीकुम। रिश्वत की एक शक्ल नहीं हो जाएंगी शेख, नहीं ऐसा कुछ देखिए, नहीं था? असल में ये शर्त की शक्ल है, जी जैसे आप इसको यूं समझें, आप अच्छा किया आपने ये आखिरी पॉइंट जिक्र कर दिया। जी जी शेख। देखिए, जैसे औरत का घर में रहना और जो सर्विस वगैरह है औरत की, शौहर को प्रोवाइड करना वो चीजें, ये शौहर का हक है जी जो बीवी के ऊपर वाजिब है। अब वो शौहर अपने उन हुकूक से तनाजुल कर रहा है, जैसे बीवी मान लीजिए 8 घंटा 7 घंटा घर से बाहर रहेगी, ये 8 घंटा 7 घंटा किसका है? शौहर का है, वो उससे तनाजुल कर रहा है, तो उसके बदले में वो मांग रहा है, तो ऐसा जी नहीं कि वो रिश्वत है, वो अपने हक से तनाजुल कर रहा है इस शर्त के साथ कि उसका उसके बदले में आपको ये देना होगा।
लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं ना शेख कि औरत घर में शोहर का भी ख्याल रखते हुए फिर वो अपना काम भी कर रही है और घर के कामों में कोई कोताही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उसमें इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर घर के अंदर है और शोहर के सारे काम वो कर रही, सारे जो वाजिबात है अदा कर रही है, उसके बाद वो कुछ काम कर ले जा रही है घर में, तो उस वो जो कमाई है उसकी अपनी है खालिस। जी 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 जजाकल्लाह खैर शेख, वाजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शेख।